हेलो प्यारे बच्चों बच्चों, इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 इंग्लिश एनसीईआरटी फर्स्ट फ्लाइट उसका सातवां चैप्टर और सातवें चैप्टर का तीसरा भाग है ना। इसके पहले वाले दो वीडियोस में हमने फर्स्ट टू पार्ट कर लिए थे और अब हम तीसरा पार्ट करेंगे। इसमें टी फ्रॉम आसाम, आसाम की चाय है ना। जैसे आपको खुद सबको पता ही है कि आसाम में क्या है, चाय के बहुत बड़े बड़े बागान हैं, टी है ना, टी प्लांटेशंस हैं वहाँ पे। तो ये एक दो बच्चों की कहानी है। एक बच्चे का नाम है प्रांजोल और दूसरे बच्चे का नाम है राजवीर है ना। ये दोनों क्लासमेट हैं और दिल्ली के किसी स्कूल में पढ़ते हैं। अब प्रांजोल जो है उसने कहा राजवीर से कि आपको चलो मैं हमारे गांव घुमा के लाता हूँ है ना, गर्मियों की छुट्टियों में आप हमारे यहाँ आसाम चलो। तो प्रांजोल जो कि खुद आसाम का रहने वाला है और राजवीर है ना, राजवीर जो है ना ये अब यहाँ दिल्ली का है, तो हो सकता है दिल्ली के आसपास किसी राज्य का रहने वाला होगा। ये इसमें नहीं दे रखा कि ये कहाँ का रहने वाला है राजवीर, ठीक है। तो ये दोनों ट्रेन से कहाँ जाते हैं, आसाम जाते हैं, ठीक है ना। और बच्चों आपको पता है दिल्ली से लेके आसाम की जो कैपिटल है गुवाहाटी है ना, गुवाहाटी बोल दो या गुवाहाटी बोल दो, वो ट्रेन से करीब 30 घंटे की जर्नी है। कितने घंटे लगते हैं, 30 घंटे लगते हैं इसमें है ना। और कई सारे राज्यों को पार करके ट्रेन 30 घंटे बाद, 30-35 घंटे बाद कहाँ पहुंचती है, वो आसाम पहुंचती है, ठीक है ना। जैसे नई दिल्ली से चली तो कानपुर सेंट्रल आता है, फिर इलाहाबाद जंक्शन आती है, इलाहाबाद जंक्शन आता है, फिर मुगल सराय, ठीक है ना, मुगल सराय जंक्शन आता है, फिर उसके बाद में मुगल सराय जंक्शन के बाद में फिर पटना जंक्शन आता है, फिर बरौनी है ना, ऐसे फिर ये कहाँ पर प्रवेश कर जाती है ना। अब देखो ये कानपुर इलाहाबाद ये उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है ना। पटना कहाँ का हो गया, बिहार का हो गया, ठीक है ना। और फिर इसके बाद ये शायद ये जो है ना किशनगंज, न्यू जलपाईगुड़ी, ये वेस्ट बंगाल के हैं। कहाँ के हैं ये, कूच बिहार, ये भी वेस्ट बंगाल का है, पश्चिम बंगाल के। तो ट्रेन दिल्ली से चल के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश से फिर कहाँ पे, बिहार में, बिहार से फिर कहाँ, पश्चिम बंगाल, और फिर पश्चिम बंगाल से फिर ट्रेन कहाँ जाती है, कहाँ घुस जाती है, ये आसाम में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो ये दो बच्चे ट्रेन से जा रहे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसको। प्रांजोल ए यंगस्टर फ्रॉम आसाम, प्रांजोल जो है एक आसाम का नवयुवक है, इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली, जो कि राजवीर का क्लासमेट है दिल्ली के एक स्कूल में। प्रांजोल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ टी गार्डन, प्रांजोल के जो फादर हैं वो एक टी गार्डन में, एक चाय के बागान में क्या है, प्रबंधक है, मैनेजर है। इन अपर आसाम, ऊपरी आसाम, जो ऊपरी आसाम का जो क्षेत्र है उसमें। एंड प्रांजोल हैज इन्वाइटेड राजवीर, और प्रांजोल ने राजवीर को क्या किया है, इन्वाइट किया है, आमंत्रित किया है टू विजिट हिज होम, कि भाई आओ हमारे गांव, हमारे घर की सैर करो, हमारे घर को आके देखो, ड्यूरिंग द समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियों में। चाय गरम गरम चाय, ए वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच्ड वॉइस। चाय गरम गरम चाय, एक वेंडर, वेंडर मतलब था बेचने वाला, विक्रेता है ना, एक चाय विक्रेता ने आवाज लगाई ऊंची तेज पिच की आवाज में है ना, तेज आवाज में, ऊंची आवाज में उसने पुकारा, चाय गरम गरम चाय है ना। अब ये हो सकता है दिल्ली से चले हैं, रात को चली होगी ट्रेन, ठीक है ना, फिर सुबह ये हो सकता है कहाँ पहुँच गए हों, वेस्ट बंगाल में पहुँच गए हों, ठीक है ना। और वहाँ सुबह जब हुई तो आपको पता ही है सुबह सब लोग क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, वह जो चाय विक्रेता था वो उनकी विंडो के पास आया और उसने पूछा, चाय साहब, चाय दूं क्या साहब आपको। गिव अस टू कप्स, प्रांजोल सेड, प्रांजोल ने कहा हाँ हमें आप 2 कप चाय दीजिए। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, उन्होंने पिया, सिप सिप यानी मतलब पीना है ना, होठों से लगाकर पीना, स्टीमिंग भाप निकलते हुए उस गर्म तरल पदार्थ को, अर्थात उस चाय को उन्होंने दोनों ने सिप किया। ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू, लगभग हर व्यक्ति है ना उस कंपार्टमेंट के अंदर, उस डिब्बे के अंदर लगभग हर व्यक्ति चाय पी रहा था। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सैड, राजवीर ने कहा
ना। आप देखो, राजवीर रहने वाला तो नॉर्थ इंडिया का है ना, लेकिन चाय के बारे में इसने खूब सारी स्टडी करी है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है प्रांजोल से, जो कि खुद आसाम का रहने वाला है, कि क्या आपको पता है लगभग 80 करोड़ से भी ज़्यादा, है ना, लगभग 80 करोड़ कप चाय रोजाना पी जाती है पूरे संसार में प्रतिदिन। व्यू, है ना, व्यू का मतलब होता है एक्सक्लेम्ड प्रांजोल, व्यू और व्यू, अरे वाह, ऐसे कर, अरे वाह, एक तरह से एक्सक्लेमेशन है ये, है ना, विस्मयादि बोधक एक वाक्य है ये व्यू। प्रांजोल ने प्रतिक्रिया दी, टी रियली इज वेरी पॉपुलर, चाय बहुत बहुत ज्यादा लोकप्रिय पेय पदार्थ है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल आई, अर्थात स्टेशन से रवाना हो गई। प्रांजोल बरिड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, प्रांजोल ने अपनी नाक घुसा दी, है ना, नाक घुसा दे, घुसाने का क्या मतलब है, नाक गढ़ा देना, गढ़ा देना अर्थात डूब जाना उसके अंदर, है ना, ध्यान मग्न हो जाना। इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, अपनी जो एक डिटेक्टिव बुक थी उसमें दोबारा से उसने अपना अपनी नाक गढ़ा दी, अर्थात वो ध्यान पूर्वक उसको पढ़ने लग गया। डिटेक्टिव बुक तो पता ही है आपको, है ना, जो जासूसी किताबें होती हैं वो। राजवीर टू वाज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, राजवीर भी बड़ा जबरदस्त, आर्डेंट का मतलब होता है जबरदस्त फैन था, है ना, किसका, डिटेक्टिव स्टोरीज का। बट एट द मोमेंट, लेकिन उस क्षण, ही वाज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, लेकिन उस क्षण वह है जो बाहर का सुंदर दृश्य था उसे देखने में वो ज्यादा इंटरेस्टेड था। इट वाज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, हर जगह, है ना, हरियाली ही हरियाली थी, हर जगह हरियाली ही हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर ने इतनी ग्रीनरी कभी नहीं देखी। तो हो सकता है राजवीर कहाँ का रहने वाला हो, राजस्थान का रहने वाला हो, क्योंकि राजस्थान में क्या है, डेजर्ट है, ठीक है। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस, है ना, फिर उन सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड, पैडी फील्ड का मतलब होता है जो चावल के जो खेत होते हैं, है ना, और आपको पता ही है वेस्ट बंगाल में चावल की खेती भी खूब होती है। तो हो सकता है वो चावल, जो ट्रेन रुकी थी वो कहाँ पे था, वेस्ट बंगाल का ही कोई स्टेशन होगा वो। तो वो जो पैडी फील्ड थे, सॉफ्ट सॉफ्ट ग्रीन ग्रीन, अब उन्होंने किसको रास्ता दे दिया, टी बुसेस को रास्ता दे दिया, अर्थात अब जो सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स, जो उसके खेत थे चावल के, धान के जो खेत थे, वो तो समाप्त हो गए, और क्या शुरू हो गई आनी, टी बुसेस, है ना, चाय के बागान आने शुरू हो गए। इट वॉज ए मैग्निफिसेंट व्यू, यह एक बहुत शानदार, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, ए सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेस्ड एज फार एज आई कुड सी, है ना। अब इसमें इसने, लेखक ने कहा है कि अगेंस्ट द बैकड्रॉप, बैकड्रॉप का मतलब होता है एक तरह जैसे पर्दा होता है ना, जैसे पीछे की तरफ का जो बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड समझ लो, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, है ना, यानी पीछे की तरफ तो क्या दिखाई दे रहे थे, घने घने, है ना, वुडेड हिल्स, ऐसी पहाड़ियां जो कि क्या है, बड़े बड़े वृक्षों से आच्छादित थी, छाई हुई थी, और उनके आगे क्या था, ए सी ऑफ टी बुशेस, है ना, एक तरह से चाय के, चाय की झाड़ियों का, चाय के बागानों का एक समुद्र सा, है ना, समुद्र का मतलब पानी नहीं है वहां पे, बल्कि क्या है, चारों तरफ टी प्लांटेशन ही टी प्लांटेशंस हैं, स्ट्रेस्ड एज फार एज आई कुड सी, और वो इतने फैले हुए हैं, इतने बड़े विस्तार से फैले हुए हैं जितना कि हमारी आंखें देख सकती हैं। ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टडी से ट्रीज, है ना। अब इसमें दो तरह के वृक्ष हैं ना, पीछे की तरफ जो ना पहाड़ी हैं उन पे ऊंचाई पे तो क्या है, बड़े बड़े स्टडी टाल यानी लंबे, स्टडी यानी मजबूत छायादार वृक्ष हैं, और वो जो टाइनी टी प्लांट्स हैं, छोटे छोटे जो चाय के जो पौधे हैं उनको वो क्या कर रहे हैं, बौना कर रहे हैं अपने सामने। ड्वार्फ, ड्वार्फ का मतलब क्या होता है, बौना, क्योंकि उनके कंपैरिजन में तो जो टी के प्लांट्स हैं वो क्या हैं, बौने हैं। एंड अमिड्स द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस, है ना, और इनके मध्य, अमिड्स, अमिड्स का मतलब होता है मध्य, और
ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेज, है ना, उन टी की जो बुशेज हैं, टी की जो झाड़ियां हैं, टी के जो प्लांटेशंस हैं, टी गार्डन्स जो हैं, उनकी जो ऑर्डरली रोज हैं, है ना, यानी नियमित रूप से जो कतारें बनी हुई हैं, बड़ी तरीके से जो कतारें लगी हुई हैं, उनमें बिजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स, उनमें बड़ी व्यस्त हुई बिजली मूव्ड, है ना, घूम रही हैं डॉल लाइक फिगर्स, गुड़िया जैसी आकृतियां उनमें जाती चहलकदमी करती हुई इधर उधर घूमती हुई या कुछ काम करती हुई नजर आ रही। अब बताओ ये डॉल लाइक फिगर्स कौन है, गुड़िया जैसी आकृति किसके लिए कहा है? ये उन श्रमिकों के लिए कहा गया है जो कि चाय के बागानों में से चाय की पत्तियां क्या कर रहे हैं, चुन रहे हैं, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक ब्लोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज, है ना। अब कुछ दूरी पर एक भद्दी सी बिल्डिंग थी, है ना, जिसमें से जिसकी चिमनी में से एक लंबी चिमनी में से उस बिल्डिंग एक भद्दी सी बिल्डिंग की एक बड़ी सी चिमनी में से धुआं निकल रहा था, ब्लोइंग, है ना, स्मोक क्या हो रहा था, आउट हो रहा था, ब्लोइंग आउट, है ना, बाहर निकलना। हे ए टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, राजवीर उत्तेजित होकर बोला, है ना, क्राई का मतलब चिल्लाना नहीं है ये, है ना, तो मतलब तेज आवाज में बोला, अरे देखो टी गार्डन। तो राजवीर किसको बोला, प्रांजोल को बोला। प्रांजोल हु हैड बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन ए प्लांटेशन डिड नॉट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट। अब चूंकि प्रांजोल का तो जन्म वहीं का रहने वाला था और उसका जन्म भी वहीं हुआ था आसाम में, तो वो उसने तो खूब देखे हैं ये, तो इसलिए उसको इतना एक्साइटमेंट नहीं था, इसलिए उसने राजवीर का जो एक्साइटमेंट था उसको उसने शेयर नहीं किया। तो प्रांजोल जो कि उसका जिसका कि वहीं पे जन्म हुआ था और वहीं पे ब्रॉट अप हुआ था, वहीं पे उसका उसका बचपन बीता था, है ना, वो बड़ा हुआ, है ना, उन्हीं प्लांटेशंस के दौरान, उन्हीं प्लांटेशंस के मध्य, है ना, इसलिए उसने राजवीर के एक्साइटमेंट को क्या नहीं किया, कोई खास उसने तवज्जो नहीं दी। ओह दिस इज टी कंट्री नाउ ही सेड, बस उसने इतना कहा, अरे भाई ये टी कंट्री है, है ना, टी कंट्री का मतलब ये चाय का देश का मतलब क्या है, यहाँ पे चाय ही चाय आपको देखने को, चाय के गार्डन ही आपको देखने को मिलेंगे। आसाम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड, प्रांजोल ने कहा कि आसाम जो है लार्जेस्ट कंसंट्रेशन है, ठीक है ना, किसकी, आसाम के अंदर जो चाय के बागानों की सबसे ज्यादा मात्रा में कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, बहुतायत से कोई चीज पाई जाती है उसको कंसंट्रेशन बोलते हैं। संसार के अंदर चाय के बागान सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, आसाम में पाए जाते हैं। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू ए लाइफ टाइम, तुम्हें यहाँ इतने टी गार्डन्स देखने को मिलेंगे कि तुम्हारी जिंदगी ही खत्म हो जाएगी, है ना, लास्ट यू लाइफ टाइम, लाइफ टाइम मतलब क्या, एक तरह से कि जिंदगी भर देखते ही चले जाओ, इतने सारे क्या हैं यहाँ पे, टी गार्डन ही टी गार्डन्स हैं। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड, राजवीर बोला कि मैंने जितना पढ़ सकता था मैं इस चाय के बारे में उतना मैंने पढ़ने की कोशिश की है, अखबारों में से पढ़ा होगा, इंटरनेट पे देखा होगा राजवीर ने चाय के बारे में। नो वन रियली नोज, है ना, राजवीर कह रहा है कोई भी यह नहीं जानता हु डिस्कवर्ड टी, कि इस चाय की खोज किसने की, बट देयर आर मैनी लेजेंड्स, लेकिन बहुत सारी दंत कथाएं भी हैं, बहुत सारी दंत कथाएं, लेजेंड्स का मतलब क्या होता है, एक तरह से जो प्रचलित लोक कथाएं जो होती हैं, ठीक है ना, वो इनके बारे में हैं। व्हाट लीजेंड्स, क्या दंत कथाएं हैं, क्या कहानियां हैं भाई बताओ, है ना। अच्छा देखो बच्चों मैं एक चीज बताता हूँ आपको, कॉफी के बारे में बताता हूँ, है ना, कि क्या हुआ था कि एक भेड़ चराने, भेड़ या बकरी चराने वाला एक आदमी था, है ना, वो अपने जंगल में बकरियां चलाने चराने जाता था, और एक दिन क्या हुआ, वो बहुत दूर निकल गया, है ना, अपनी बकरियों को लेके, है ना, भेड़ बकरियों को लेके, और वो विशेष प्रकार की झाड़ियाँ कुछ थी वहाँ पे, है ना, और उन झाड़ियों में कुछ बेर जैसी चीज़ लगी हुई थी, तो उसकी गाय उन्होंने क्या नाम है, भेड़ बकरियों ने वो क्या नाम है, वो जो झाड़ियों में जो बेर जैसी चीज़ लगी थी वो खा ली उन्होंने, और वो वापस, है ना, फिर शाम को जब वो अपने घर पर आ गया उनको लेके, फिर उसने देखा कि रात को उनको नींद ही नहीं आ रही थी, है ना, सबकी आंखें चमक रही,
कोई सो ही नहीं रहा, ना भेड़ सो रही ना बकरियां सो रही सो रही। तो वो जो क्या नाम है गडरिया था, है ना, जो सैफर था, वो सोचा पता नहीं यार क्या हो गया इनको, है ना, इनको नींद क्यों नहीं आ रही है ना, बस इनकी आँखें आँख चमक रही हैं, है ना। फिर बाद में पता चला कि जो झाड़ियाँ उन्होंने खाई थी, जो बेर खाए थे, वो कॉफ़ी के थे, है ना। तो चाय कॉफ़ी से वैसे ही क्या होता है, नींद गायब हो जाती है ना, तो ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे ही लीजेंड्स हैं, तो चाय के बारे में लीजेंड्स में ये पूछ रहा है। तो नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देर आर मैनी लीजेंड्स, है ना। तो राजवीर कह रहा है कि बहुत सारी लोक कथाएं इसके बारे में प्रचलित हैं, दंत कथाएं इसके बारे में प्रचलित हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि टी की खोज, चाय की खोज कब हुई। अब प्रांजुल कह रहा है अरे भाई वॉट लीजेंड्स, क्या दंत कथाएं हैं, क्या लोक कथाएं, मुझे तो बता। वेल अच्छा ठीक है, देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर। अब वो बता रहा है कि एक दंत कथा तो चीन के एक शासक के बारे में है, जो चीन देश है ना, चाइना जो कंट्री है, उसके एक शासक के बारे में है, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, जो कि हमेशा पानी को पीने से पहले वो गर्म करता था, है ना, गर्म पानी पीता था, उबालता था पानी को। वन डे, एक दिन, ए फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट, है ना। अब बेटा पहले जो है ना वो गर्म करने के लिए गैस तो थी नहीं, पहले तो चूल्हे पे ही गर्म करना होता, लकड़ी जलानी पड़ती थी उसमें, तो उस पानी को गर्म करने के लिए जो टहनी जलाई गई थी, है ना, ट्विग्स, जो टहनी जलाई गई थी, उनमें से कुछ पत्तियां, फ्यू लीव्स, है ना, फेल इनटू द वाटर, उस पानी में गिर गई। कि कौन से पानी में, जो पानी उबल रहा था उस चूल्हे के ऊपर बर्तन में, है ना, गिविंग इट ए डिलीशियस फ्लेवर, और उन पत्तियों ने उस पानी को क्या दे दिया, बड़ा एक स्वादिष्ट रंग ने उसको दे दिया, है ना, उसका स्वाद ही चेंज हो गया पानी का। इट इज सैड, ये ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, देवर टी लीव्स, कि वो क्या थी, वो चाय की पत्तियां थी, ऐसा कहा जाता है। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड फ्रांजोल, है ना, थोड़ा मजाकिया लहजे में कहा, स्कॉफ का मतलब मजाकिया लहजे में प्रांजल ने कहा, हाँ भाई अब मुझे दूसरी बता, तूने कहा था कई सारी वो हैं दंत कथाएं हैं, मुझे अन्य दूसरी बताओ। अब वो बता रहा है, वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, हमारे भारत की भी एक लोक कथा है, एक दंत कथा है, कि बोधिधर्मा एंड एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक, बोधिधर्मा जो कि एक प्राचीन काल के बौद्ध धर्म के संत थे, साधु थे, उसने कट ऑफ हिज आईलिड्स, उसने अपनी आंखों की जो पुतलियां होती हैं उन्हीं को काट लिया था भाई ने, बिकॉज क्योंकि ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस, क्योंकि वो मेडिटेशंस के दौरान, मेडिटेशंस किसको बोलते हैं, ध्यान करने के दौरान उसे नींद आ जाती थी, है ना, तो गुस्से में आके उसने क्या किया, अपनी आंखों की पुतलियां ही काट दी। 10 tea plants grew out of the eyelids, और ऐसा कहा जाता है कि उसकी उन पुतलियों से, आंखों की दोनों पुतलियों से 10 चाय के पौधे उत्पन्न हुए। But put, when put in hot water and drunk, banished sleep, है ना, और जब उन चाय के जो पौधे उत्पन्न हुए उनकी, उनको पत्तियों को किसमें डाला जाता था, हॉट वाटर में जब डाला जाता था और पिया जाता था, तो उससे नींद बैनिस हो जाती थी, गायब हो जाती थी। तो ये एक दूसरी दंत कथा थी। टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, अब ये कह रहे हैं कि चाय जो है वो सबसे पहले कहां पे पी गई, चीन के अंदर, है ना, चाय की उत्पत्ति जो हुई है वो कहाँ पे हुई है, ये कौन बता रहा है, राजवीर बता रहा है, है ना, क्योंकि उसने सारी स्टडी कहाँ से करी है, कोई बुक में से या कोई जो है ना अखबार में से या इंटरनेट पे से उसने ये जानकारी हासिल करी है, तो वो बता रहा है। अब देखो क्योंकि दोनों दंत कथा भी किसने बताई है, ये भी राजवीर ने ही बताई है। वो कह रहा है टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड, राजवीर ने और उसमें बात जोड़ी आगे कि टी सबसे पहले कहाँ पे पी गई, चाइना में पिया गया, इसका स्वाद लिया गया। एज फार बैक एज 2700 BC, ईसा से 2700 वर्ष पूर्व, यानी देखो अभी 2021 चल रहा है, तो 2021 तो ये हो गया और उससे फिर 2700 वर्ष पूर्व और, है ना, तो 4800 के आसपास हो गया ये, इतने वर्ष पूर्व चाइना में। इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, और वो बता रहा है कि वास्तव में ये जो शब्द हैं जैसे टी यानी चाय, है ना, टी के लिए हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, चाय, एंड चीनी, आर फ्रॉम चाइनीज, ये शब्द कैसे हैं, चाइनीज वर्ड्स हैं, क्या कह रहा है, ये वर्ड कैसे हैं, चाइनीज वर्ड्स हैं ये।
टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th सेंचुरी, है ना। अब देखो ये बता रहा है कि चाइना के अंदर तो कब शुरुआत हो गई थी चाय पीने की, 2700 बीसी में हो गई थी, यानी ईसा से 2700 वर्ष पूर्व, यानी यहाँ से जब आज जो है वो चल रहा है अपना 2021 चल रहा है, तो 2021 से जब 2021 वर्ष पीछे जाओगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर जीरो से भी कितना 2700 पीछे और चले जाओ आप, ठीक है ना। तो चाइना के अंदर तो तब ही पीना शुरू हो गया था, लेकिन ये कहा गया है टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th सेंचुरी, जबकि जो चाय है वो यूरोप में कब पहुंची है, 16वीं शताब्दी में, यानी आज से 400 वर्ष पूर्व। एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज, और इस चाय को पेय पदार्थ की अपेक्षा, बेवरेज किसको बोलते हैं, पेय पदार्थ, पेय का मतलब जैसे पीने के काम में लिया जाता है, उसके बजाय इस चाय को मेडिसिन के रूप में काम में लिया जाता था। द ट्रेन क्लैटर्ड इन टू मरियानी जंक्शन, है ना। अब तुमने आपने देखा होगा, अगर आपने ट्रेन का सफ़र किया है, तो जब कभी स्टेशन आने वाला होता है तो ट्रेन की रफ्तार धीमी होती है, तो ब्रेक लगते हैं, तो ब्रेक जब लगते हैं तो किचिर किचिर की सी आवाज़ आती है, किचिर 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 इस तरह से, तो उसको क्लैटर बोलते हैं। द ट्रेन क्लैटर्ड इन टू मरियानी जंक्शन, है ना। तो ट्रेन ब्रेक के ब्रेक लगे और कहाँ पे आ गया, ट्रेन कहाँ पे आ गई, मरियानी जंक्शन पर आ गई। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज, उन दोनों लड़कों ने अपना लगेज इकट्ठा किया, अपना सामान इकट्ठा किया, एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड जंक प्लेटफॉर्म, और वो उन्होंने अपना रास्ता किधर की तरफ ले लिया, भीड़ भाड़ भरे प्लेटफॉर्म की तरफ, अर्थात वो प्लेटफॉर्म पर उतर के आ गए। प्रांजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजोल के पेरेंट्स वहाँ उसके इंतजार कर रहे थे, उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स देखियावाड़ी, है ना, ढेकियावाड़ी बोल दो, है ना, या देखियावाड़ी बोल दो, कुछ भी बोल दो आप इसको, है ना। शीघ्र ही वो किसकी तरफ, उन्होंने अपनी कार ड्राइव करना शुरू कर दिया, देखियावाड़ी की तरफ शुरू कर दिया। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजोल्स फादर, है ना। और ये जो देखियावाड़ी है ये क्या है, ये एक जगह का नाम है जहाँ के टी गार्डन्स के जो मैनेजर कौन थे, प्रांजोल के फादर थे। एन आवर लेटर, एक घंटे बाद, द कार वियर्ड शार्पली ऑफ, तो वियर ऑफ का मतलब होता है टर्न लेना, शार्पली का मतलब तेजी से, तो कार तेजी से मुड़ गई, एकदम एक तरह से ऐसे समझ लो आप, जैसे मेन हाईवे से एकदम वापस से 90 डिग्री पे मुड़ गई वो, ऑफ द मेन रोड, मेन रोड से वो एकदम से मुड़ गई। दे क्रॉस्ड ए कैटल ब्रिज, उन्होंने एक कैटल ब्रिज क्रॉस किया, कैटल ब्रिज का मतलब होता है जैसे आपने कभी देखा होगा बेटा सरकारी बिल्डिंग्स जो होती है ना, उनका जो मेन गेट होता है उस पर जो ना इस तरह से लोहे की रॉड लगी रहती हैं, बार लगी रहती हैं, है ना। तो इस पे से क्या है, देखो पैदल जा सकते हो आप, व्हीकल कोई भी जा सकता है, लेकिन पशु नहीं जा सकता, क्योंकि पशु के जो पैर है ना वो खुर इसमें फंस जाएंगे नीचे, तो ये एक तरह से ये गेट है ना, तो ये काऊ कैचर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, काऊ कैचर, है ना, अर्थात पशुओं का प्रवेश इसमें नहीं हो पाता, तो गेट खुला हुआ है तो भी इसमें पशु प्रवेश नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ऐसे ही एक कैटल ब्रिज था, है ना, इस तरह से आयरन की बार्स लगी हुई होंगी, तो उन पे कौन जा सकते हैं, व्हीकल्स जा सकते हैं। दे क्रॉस्ड ए कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड देखियावाड़ी टी एस्टेट, है ना, देखियावाड़ी टी एस्टेट, है ना। उन्होंने कैटल ब्रिज को क्रॉस किया, ऐसे एक ब्रिज को क्रॉस किया उन्होंने, और वो देखियावाड़ी टी गार्डन में उन्होंने प्रवेश कर लिया, है ना, वहाँ पर वो पहुँच गए। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड, है ना। अब ग्रेवल रोड का मतलब आपने कभी सड़क बनती हुई देखी हो, तो सबसे पहले जब सड़क बनती है, प्लेन है कोई जगह, तो पहले तो उसमें मिट्टी डालते हैं ऊंची, है ना, जैसे दो दो तीन तीन फीट मिट्टी डाल दी, फिर उसमें मोटे मोटे पत्थर बिछाते हैं, है ना, शोल्डर्स बोलते हैं, बोल्डर्स बोलते हैं उनको, है ना। फिर उसके बाद उनमें थोड़े और हल्के से जो है ना पत्थर बिछाते हैं उसमें, है ना, फिर उसके बाद और थोड़ी बारीक रोड़ी सी बिछाते हैं, और फिर सबसे फिर उसकी कुटाई करते हैं, किससे, रोलर होता है, रोलर उसको कूटता है ना, उसको दबाता है उसमें, है ना, और फिर लास्ट में उस पर क्या करते हैं, डामर करते हैं, है ना। तो बिना डामर की जो रोड होती है उसको ग्रेवल रोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ग्रेवल रोड। तो दोनों तरफ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड, क्यों, अब देखो बेटा ये मेन हाईवे जो था उससे एकदम टर्न कर गई ना ये ढेकियावाड़ी की तरफ, तो वो कैसा रोड है, पक्का रोड नहीं है वो, है ना, वो वैसा वाला डामर वाला रोड नहीं है, वो ग्रेवल रोड है। और उसके दोनों तरफ वर एकर अपॉन एकर ऑफ टी बुशेस, है ना,
चाय के जो गार्डन्स हैं, चाय की जो झाड़ियां हैं, चाय के जो पौधे हैं, वो एकड़ों में एकड़ों में एकड़ से एकड़ों में फैले हुए हैं, खूब सारे एरिया में फैले हुए हैं, ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट, है ना। प्रून का मतलब आपने देखा होगा कभी कैंची से जो पौधे होते हैं ना उनको छांटते हैं, है ना, उनको एक जैसी हाइट में, जैसे मालियों को देखा होगा आपने करते, तो उनकी ट्रिमिंग करते हैं पौधों की, है ना, तो जिससे कि वो एक जैसी हाइट पे रहें, जैसे गार्डन्स होते हैं ना उनके अंदर इस तरह से। तो प्रून का मतलब होता है उनको ट्रिम करना, काटना। तो वो जो ट्री ट्री गार्डन्स थे, है ना, जो ट्री की उसकी टी जो बुशेज थी, चाय की जो झाड़ियाँ थी, वो बिल्कुल बहुत ही साफ सुथरे तरीके से ट्रिमिंग की हुई थी उनकी, है ना, एक जैसे लेवल पर वो कटी हुई थी, एक जैसी हाइट पर वो कटी हुई थी। ग्रुप्स ऑफ ट्री प्लकर्स विद बेम्बो बास्केट्स ऑन देयर बैक्स वियरिंग प्लास्टिक एप्रंस वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, है ना। अब देखो बेटा, ग्रुप ऑफ ट्री प्लकर्स, वो टी प्लकर्स चाय तोड़ने वाले, प्लक प्लक माने क्या होता है, तोड़ना, है ना। तो जो चाय के बागानों में अगर कभी आपने देखा होगा तो एक प्लास्टिक का एप्रन पहनते हैं, प्लास्टिक का ओवरकोट सा पहनते हैं, और पीछे की तरफ एक उनके लकड़ी की वो लगी रहती है ना, एक बांस की उनकी बनी हुई, फंटियों की बनी हुई एक बड़ी सी टोकरी लगी रहती है, उनकी पीठ पर लटकी रहती है, और उसमें टी को तो पत्तियों को तोड़ तोड़ के उसमें पीछे की तरफ वो डालते जाते हैं, कभी फोटो में भी अगर आपने देखा हो तो। तो झुंड के झुंड चाय तोड़ने वाले विद बैम्बो बास्केट्स ऑन देयर बैक्स, जिनकी की पीछे पीठ पर क्या लटकी हुई थी, बांस से बनी हुई टोकरियां लटकी हुई थी, और वियरिंग प्लास्टिक एप्रंस, और उन्होंने क्या पहन रखे थे, प्लास्टिक के गाउन पहन रखे थे, वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और वो नई आई हुई पत्तियों को तोड़ रहे थे। तो हो सकता है जो नई पत्तियां उगती हैं, न्यूली स्प्राउटेड, स्प्राउट का मतलब होता है उगना, नई उगने वाली पत्तियां हो सकता है ज्यादा अच्छी होती होंगी, तो उनको वो क्या कर रहे थे, तोड़ रहे थे। प्रांजोल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ ए ट्रैक्टर पुलिंग ए ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास, है ना। अब वो जो ग्रेवल रोड थी वो थोड़ी सी चौड़ी कम होगी, है ना, क्योंकि हाईवे जो होता है वो तो बहुत चौड़ा होता है, लेकिन ये जो छोटी सड़कें होती हैं ये चौड़ी कम होती हैं। तो सामने से अगर कोई व्हीकल आता है तो एक व्हीकल को थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, साइड में लेना पड़ता है। तो वैसे ही सामने की तरफ से एक क्या आ रहा था, ट्रेलर लोड आ रहा था, है ना, एक एक तरह से ऐसे समझ लो कोई ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही होगी या कोई ट्रक आ रहा होगा जिसमें चाय की पत्तियां लदी हुई थी। तो उसको रास्ता देने के लिए, टू पास यानी उसको रास्ता देने के लिए, प्रांजोल के फादर ने जो अपनी कार थी उसको क्या कर लिया, हाँ ट्रैक्टर ही था, ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर पुलिंग ए ट्रेलर लोड, है ट्रैक्टर किसको खींच के ले जा रहा था, एक ट्रेलर लोड का मतलब वही ट्रॉली है जिसमें पीछे क्या भरी हुई थी, पत्तियां भरी हुई थी, चाय पत्ती, है ना। तो उन्होंने उसको पास हो जाने के लिए अपनी गाड़ी को क्या कर दिया, थोड़ा स्लो कर दिया और साइड में ले लिया। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड इज नॉट इट मिस्टर बरुआ, राजवीर आस्क्ड, है ना। अब ये मिस्टर बरुआ कौन है, ये प्रांजोल के फादर हैं, है ना। तो राजवीर ने कहा, श्रीमान बरुआ क्या ये सेकेंड फ्लश नहीं है, है ना, देख लो ये सेकेंड फ्लश। अब सेकेंड फ्लश का मतलब क्या होता है कि दूसरी बार चाय की पत्तियों को तोड़ा गया है, चाय की पत्तियों को तोड़ने का दूसरा सीजन है। जैसे फसल लेते हैं ना अपन, जैसे कोई एक बार फसल ले ली, ऐसे ऐसे समझो अमरूद है, जैसे अमरूद के बाग हैं, तो उसमें अमरूद माना दो बार आते हैं सीजन में, तो एक बार ले लिया फिर दूसरी बार उनको तोड़ लिया। तो वैसे ही चाय के भी कितने जो है ना सेकेंड फ्लश था, यानी दूसरी बार तो पत्तियों को तोड़ने का मौसम था। तो दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, है ना। तो जो पत्तियां उगती हैं, है ना, तो उनको पत्तियों को उगती उगी हुई पत्तियों को ये तोड़ते हैं। तो वो कह रहा है ये सेकंड बार का है ना ये स्प्राउटिंग पीरियड है ना ये, मिस्टर बरुआ, श्रीमान बरुआ, राजवीर ने पूछा। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, समझ में आया नहीं आया। जो बेटा कहने का मतलब ये है कि चाय की पत्तियों का ये प्रांजोल कह राजवीर कह रहा है कि ये सेकेंड सीजन है, यानी एक बार पहले तोड़ी जा चुकी है, और मई से लेके जुलाई के बीच, है ना, ये दूसरा जो सीजन होता है मई से लेके जुलाई के बीच,
है ना, तो वो हो सकता है वो वाला एक सीजन तब होता होगा दिसंबर जनवरी के आसपास होता होगा, और सेकंड सीजन ये वाला है, तो ये सीजन जो है ये बेस्ट ट्री देता है, सेकंड वाला जो है ये मई से लेके और जुलाई जुलाई के बीच का जो सीजन होता है, यील्ड्स, यील्ड्स का मतलब यील्ड्स, यील्ड्स का मतलब देता है बेस्ट ट्री यानी अच्छी श्रेष्ठ चाय ये देता है। तो उसने राजवीर ने मिस्टर बरुआ यानी उसके प्रांजोल के फादर से पूछा, यू सीम टू हैव डन यूर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजोल्स फादर सेड इन सरप्राइज। प्रांजोल के फादर ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि अरे भाई मुझे लगता है तुम तो पूरा होमवर्क करके आए हो अपना यहाँ आने से पहले ही। यू सीम टू हैव डन यूर होमवर्क, होमवर्क का मतलब क्या है यहाँ पे, कि चाय के बारे में, आसाम के बारे में आप पहले से ही बहुत सारी स्टडी करके आए हो। यस मिस्टर बरुआ, हाँ श्रीमान बरुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने स्वीकार किया, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, है ना, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि मैं बहुत कुछ सीख के जाऊँगा जब तक कि मैं यहाँ हूँ, यानी जितने दिनों भी मैं यहाँ हूँ तो मैं यहाँ के बारे में सब कुछ सीख के जाना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ ये थर्ड पार्ट जो है आपका सेवंथ लेसन का, है ना, ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया, भारत की झलकियाँ, उसका थर्ड पार्ट भी आपको सब पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इनका लाभ उठा सकें। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।